हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है, उन सभी को डिस्कस करेंगे आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में द हिंदू को और द इंडियन एक्सप्रेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम में हमारा ये चैनल है आई शॉर्ट शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी, इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पे हम सारी अपडेट्स अपनी पोस्ट करते हैं। साथ में आप मेल, ट्विटर और टेलीग्राम के साथ भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा गूगल पे आपको हमारी एक वेबसाइट मिलेगी www.ielshortshort.com, तो जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं आप खरीद सकते हो यहाँ से। ओके, आगे बात करते हैं। पेपर टू से हमारा पहला टॉपिक है टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो भी हेट स्पीच फैल रही है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, उसकी जिम्मेदारी लीजिए और उसके लिए अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ ने बोला, वेयर हैव वी रीच्ड, हमने अपने रिलीजन को सिर्फ हेट स्पीच तक सीमित कर दिया है। हम सिर्फ रिलीजन के थ्रू हेट स्पीच फैला रहे हैं, कुछ भी साइंटिफिक टेम्पर इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे जो जज हैं, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, ये कहते हैं वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड इन अ कंट्री दैट हैज टू बी रिलीजन न्यूट्रल। अब याद रखना कि जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो वी आर अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन हमारा जो सेक्युलरिज्म है दैट इज पॉजिटिव काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि हमारा जो स्टेट है वो ये कहता है कि वी विल बी रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। जबकि नेगेटिव सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट बोलता है दैट वी विल बी मेंटेनिंग अ बिग डिस्टेंस, अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ओके, अ प्रिंसिपल डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे। जैसे आप देखोगे फ्रांस जैसे जो कंट्रीज है वहाँ पे सेक्युलरिज्म जो है वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। वहाँ पे स्टेट ये बोलता है कि आपको जो रिलीजन प्रोफेस करना है, परफॉर्म करना है, आप अपने घर पे कीजिए, पब्लिक लाइफ में आप रिलीजन को परफॉर्म नहीं करोगे, इसीलिए स्टेट जो है वो एक प्रिंसिपल डिस्टेंस पे रहेगा। इंडिया में पॉजिटिव काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म है, यानी कि हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि आप अपने रिलीजन को परफॉर्म नहीं कर सकते पब्लिक लाइफ में, लेकिन अगर करोगे तो हम यहाँ पे सभी रिलीजन्स की इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कहना यह है कि रिलीजन को हमने सिर्फ हेट स्पीच से कनेक्ट कर दिया, सिर्फ हेट प्रिवेल कर रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हेट स्पीच के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है सेंटर, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जल्दी से जल्दी जो भी करना है एक्शन लो, डोंट वेट फॉर अ कंप्लेंट टू बी फाइल्ड। ओके, वॉन्ट्स दैट एनी हेजिटेशन टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शन विल अट्रैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन का अवहेलना करता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। दिस कैन बी कनेक्टेड विथ आर पेपर टू, इसमें आप यूनियन एंड स्टेट्स के रिलेशन के थ्रू इसको पढ़ सकते हो और जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो हेट स्पीच की बात हो रही है तो हेट स्पीच को आप सोशल इशूज से भी कनेक्ट कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में एक सोसाइटी का पार्ट है और जीएस पेपर 2 में एक सोशल इश्यूज वाला पार्ट है, इनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो हेट स्पीच को। हेट स्पीच का मतलब क्या है, देखो दो डेफिनेशन है जिसको आप मेन्स में कोट कर सकते हो। एक है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बोलती है कि यहाँ पे इन्होंने जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने एक मैनुअल छापा, उस पर ये लिखते हैं कि हेट स्पीच जो है वो क्या है। हेट स्पीच इज अ लैंग्वेज दैट डेनिग्रेट्स, इंसल्ट्स एंड थ्रेटन्स और टारगेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी एंड अदर ट्रेट्स। तो आप किसी भी इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेट्स, उसके सेक्शुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, रिलीजन, इन सभी के बेसिस पे अगर टारगेट करते हो, थ्रेटन करते हो, इंसल्ट करते हो या उनकी डिग्निटी को हार्म करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी हेट स्पीच। ओके, 267th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, ये कहती है कि हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious beliefs and the like. ये वाली डेफिनेशन ज्यादा पुख्ता है, ठीक है। तो अगर आप मेंस में कोट करना चाहो तो इस डेफिनेशन को कोट कर सकते हो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि हेट स्पीच वो सारे इस तरह के काम हैं जो हेट्रेड फैलाएं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एटसेट्रा। ओके, नाउ देखो हेट स्पीच को लेकर लीगल पोजीशन क्या है। तो आईपीसी में कुछ सेक्शन हैं जो इसको पनिश करते हैं, पिनलाइज करते हैं, जैसे कि सेक्शन 153A और 153B जो है वो बोलता है कि अगर कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में एनमिटी, हेट्रिड लाने की कोशिश करता है उसको पनिश किया जाएगा। दूसरा है सेक्शन 295A जो बोलता है कि यहाँ पे उन एक्ट्स को पनिश किया जाएगा जिसके कारण रिलीजियस फीलिंग्स यहाँ पे हर्ट हो रही है, हार्म हो रही है, इंटेंशनल आउटरेज कोई कर रहा है रिलीजियस फीलिंग का। तो
तीसरा सेक्शन 505(1) और (2) (क्लॉज 1 और 2) है। इसमें ऐसा है कि कोई भी अगर ऐसा कुछ पब्लिश करता है कंटेंट या सर्कुलेट करता है जिसके कारण दो ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड फैल रहा है तो उसको भी यहाँ पे हेट स्पीच के अंतर्गत पीनलाइज किया जाएगा। तो सेक्शन याद रखना 153A, 153B, 505(1) और 505(2) एंड 295A। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बेसिकली ये कहा गया है कि ये वो लोग हैं, ठीक है, जिन जो चुने गए हैं ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके लिए है ये। सेक्शन 8 ये बोलता है आरपीए एक्ट का कि अगर कोई भी पर्सन इलीगल यूज करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए हेट स्पीच फैलाकर अगर वो वोट बटोर रहा है तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 8 ये कहता है। सेक्शन 123 एंड 125 जो है वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी प्रमोट नहीं कर सकता रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पे इलेक्शन में, ठीक है। तो कोई भी करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस यूज करके आप यहाँ पे हेट स्पीच नहीं फैला सकते, हेट्रेड नहीं फैला सकते। अब देखो, आपने देखा होगा कई सारे पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, आप हर दिन देखते होगे न्यूज चैनल्स पे, ठीक है, कि यहाँ पे एक हो गया हिंदू वर्ग, एक हो गया मुस्लिम वर्ग, ये एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन वाले लोगों को भड़काते रहते हैं, ठीक है, और यही बेसिकली हेट स्पीच है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के खिलाफ सेंटर को एक्शन लेने की बात कही और उसके लिए सेंटर के पास ये सारी पावर्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही ग्रेव कंसर्न को दिखाता है। आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान, हेडिंग ये है, ठीक है। आज थोड़ा सा हेडिंग आप देख रहे हो। अच्छा, मुझे ये भी बताना कि आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। बेसिकली हम प्रेजेंटेशन रोज चेंज कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट की जो सबसे ज्यादा सूट करे उसको हम लेकर आए, ठीक है। तो आज का प्रेजेंटेशन कैसा है ये बताना, जो लास्ट 2 दिन का प्रेजेंटेशन है उससे कंपेयर करके। ओके, तो देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या पाकिस्तान में माइग्रेट करी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये देखो इस तरह के एक पक्षी होते हैं, हैवीएस्ट बर्ड इनको माना जाता है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। ओके, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इनको माना जाता है, बहुत हेवी होता है इनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि काफी कम अमाउंट में अब ये बर्ड्स बची हैं। और मेजरली जो 95% बर्ड्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में भी राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में। अभी ये पता चला कि पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई गई है और अंदेशा ये लग रहा है, सस्पिशन स्पेकुलेशन ये है कि इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहां से उड़ के ये बर्ड पाकिस्तान गई है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है पाकिस्तान में ज्यादा यहाँ पे थ्रेट है पाकिस्तान में इसको, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा और वहाँ पे हंटिंग भी बहुत होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे इस्लामाबाद बेस्ड फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने कुछ फोटोज रिलीज करी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो वहाँ के पंजाब के प्रोविंस में चोलिस्तान डेजर्ट में घूम रहे हैं, ऐसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की फोटो रिलीज हुई है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। पहली चीज, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान के, ठीक है, इंडिया के मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं ये, इसके साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में कुल मिला के 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं जो कि 95% पॉपुलेशन बनाती है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की उसमें। इसके अलावा यहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्रीडिंग भी होती है, कैप्टिव ब्रीडिंग, जैसे अभी 25 चिक्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, इनको बड़ा किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे। राजस्थान जो है आपको पता है राजस्थान हमारे राजस्थान की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस से, तो ये माना जा रहा है कि हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क से उड़कर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में गई है, ठीक है। तो ये अभी ऐसा अंदेशा लग रहा है कि ऐसे फियर्स हैं कि और भी बर्ड ऐसा कर सकती हैं और वहां पे तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो इनके लिए बहुत खतरनाक चीजें हो सकती है। नाउ देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज तो ये हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, जो हमारे आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है ना, ये वाली जो कंट्रीज है, नेपाल, ये सारी कंट्रीज मिलाकर और साथ में इंडिया ऑफ कोर्स है ना, ये सब कंट्रीज मिला के इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हैबिटेट इनको चाहिए होता है अनटेम्ड एरिड ग्रासलैंड, ठीक है, तो जो एरिड ग्रासलैंड होता है ना, सूखा हुआ सा जो ग्रासलैंड होता है वैसा ग्रासलैंड में ये रहते हैं, मेनली जैसलमेर और पोखरण रीजन में रहते हैं, कुछ कुछ गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। और IUCN का स्टेटस क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए IUCN क्या है, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
ऑफ नेचर, ठीक है। ये बोलता है कि हर स्पीशी को 9 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, यानी कि कौन कौन सी स्पीशी का कितना अभी कंजर्वेशन हो रहा है, कौन सी स्पीशी कितना कम एक्सटिंक्ट है या कितना ज्यादा एक्सटिंक्ट है, उस बेसिस पे 9 कैटेगरीज में डाला जा सकता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डाला गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश का एक्ट है जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग शेड्यूल्स हैं, कुल मिला के 6 शेड्यूल हैं। इसमें शेड्यूल 1 में सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईली हाईली प्रोटेक्टेड जो यहाँ पे शेड्यूल है ये है शेड्यूल 1। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन मिलता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वही प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ओके, अच्छा एक चीज बताऊँ, ये इतनी हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड होती है, इतनी हैवी होती है कि ये चलते चलते देख भी नहीं पाते कि नीचे कुछ रखा है, ठीक है, टकरा के गिर जाती हैं क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इतना बल्की होता है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, सेंट्रल पैनल टू प्रोब इलीगल एक्सिंग ऑफ ट्रीज इन नेशनल पार्क। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाया जा रहा है कि इलीगल ट्री कटिंग हो रही है, ठीक है, और मोस्टली जो इलीगल ट्री कटिंग हो रही है ये हो रही है एक टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिसका नाम है पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट। ये पाया गया कि 6,000 से ज्यादा ट्रीज को अभी तक इलीगली कट किया जा चुका है और इसी के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को ये बोला है कि आप यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को भी बोलिए, और आप यूनियन गवर्नमेंट को इन्होंने बेसिकली डायरेक्ट किया है कि आप एक कमेटी बनाओ जो कि इस तरह की जो इलीगल ट्री कटिंग हो रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उसको रोके, ये कमेटी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे कि कौन कर रहा है ये इलीगल कटिंग, ट्री कटिंग। ओके, तो एक कमेटी बनाने की बात हो रही है और ये कमेटी बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट, ये डायरेक्शन मिला है एनजीटी के द्वारा और ये कमेटी जो होगी बेसिकली ये काम करेगी कि इलीगल ट्री कटिंग को रोके, इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये घटना है, ठीक है। तो नेशनल पार्क की जब बात करें तो आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली नेशनल पार्क होते हैं ये कुछ एरियाज होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिजिग्नेट करती है टू कंजर्व द नेशनल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरियाज रिजर्व किए जाते हैं, डिजिग्नेट किए जाते हैं, उनको नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और इनकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं, डिफाइंड होती है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया में देखोगे तो 105 उससे भी ज्यादा आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। 40,000 का स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो हमारा नेशनल पार्क्स में जाता है। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे लार्जेस्ट जो है, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है, याद रखना। इसके बाद अच्छा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ आता है, लद्दाख में आता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आता है, अंडमान निकोबार साइड में आता है। और लेटेस्ट नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क जो कि आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, कौन सा आता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप प्रीलिम्स में। ओके, आगे बात करते हैं व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, लाइफ स्टॉक का ग्रेस करवाना यानी कि आप कैटल्स को ले जाके वहां पे ग्रेस कराओ ये सही नहीं है, वहां पे परमिटेड नहीं है। यहाँ पे इसके साथ में कुछ भी स्पीशीज जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत मेंशन है उनको आप हंट या कैप्चर नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन यहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ के कोई भी वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता नेशनल पार्क के अंदर। और साथ में कोई भी जो सेंचुरी है, सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गई, उसकी स्टेटस को डाउनग्रेड नहीं कर सकता। नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पे कर सकती हैं डिक्लेयर किसी भी एरिया को नेशनल पार्क। कोई भी अल्टरेशन करनी है बाउंड्रीज की नेशनल पार्क की तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स में। जनरली हमको लगता है कि बस सारी पावर्स सेंटर के पास है, ऐसा नहीं है, स्टेट्स के पास भी काफी सारी पावर्स है। ओके, आगे बात करें, नेक्स्ट इशू है पैडी पैलेट स्कीम। पैडी पैलेट स्कीम डज नॉट अकाउंट फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट सेव एंटरप्रेन्योर्स। हो क्या रहा है भाई, कल ही मैंने आपको बताया था सबल बर्निंग बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, ठीक है, हर रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो सबल बर्निंग से रिलेटेड ये पूरा इशू है। हुआ क्या है, सबल बर्निंग पहले जान लो, सबल बर्निंग इसको पराली भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि आप पैडी क्रॉप के जो रेसिड्यूज हैं, जो डंठल बच गए हैं, उनको रिमूव करना है, और इनको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, इस पूरी फील्ड को जला दो। जैसे कि ये आपकी फील्ड है, आप खेती करते हो, किसान हो, आपने उगाई थी पैडी, पैडी उगाई,
पहले ग्रो करी, अब यह आपने हार्वेस्ट कर ली, हार्वेस्ट करके बेचा है इसको, लेकिन यहाँ पे कुछ डंठल कुछ रेसिड्यूज बच गए, ठीक है। अब आपको जल्दी से वीट भी लगाना है, आपके पास समय नहीं है कि ये डंठल लेके करके आप हटाओ, तो आप क्या करते हो पूरे खेत को आग लगा देते हो, पूरी फील्ड को आग लगा देते हो, ये पूरी फील्ड फ्लैट हो जाती है, अब इस पर वीट उगा देते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं सबल बर्निंग या पराली, ठीक है, सबल बर्निंग या पराली। ये क्या है बेसिकली, ये उन एरियाज में रिक्वायर्ड होते हैं जहाँ पे कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड हो रही है, जहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू बच जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली पंजाब हरियाणा यूपी में मोस्टली हो रहा है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन विंटर पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है एनसीआर रीजन में। एमिजन कैसे होते हैं, सबल बर्निंग के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रेसिड्यूज रिलीज हो रहा है ना, कार्बन एमिजन हो रहा है, इसके कारण एयर पॉल्यूशन और ज्यादा फैलता जाता है इस पूरे रीजन में। अब ये जो स्कीम है पैडी पैलेट स्कीम, बेसिकली ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि सबल फार्मिंग को कम करने के लिए हर तरह से एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इसी में एक एफर्ट मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने करी है एक पहल, और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने करी है, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च करी है, इस स्कीम का मतलब ये है, इस स्कीम का नाम है पैडी पैलेट स्कीम। होगा क्या कि जो पैडी के रेसिड्यूज बच जा रहे हैं ना, जो डंठल बच जा रहे हैं, उसको हम आग लगा दे रहे हैं, उसको आग मत लगाओ, उस आग को, उस आग ना लगा के क्या करो, इस रेसिड्यू को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म है याद रखना, टोरेफेक्शन, टोरेफेक्शन, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। टोरेफेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी इस तरह का वेस्टेज बच जा रहा है, रेसिड्यूज बच जा रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से, इसको हम थर्मल प्रोसेसिंग के थ्रू बायोकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये है टोरेफेक्शन। और इसी यही चीज होने वाली पैडी पैलेट स्कीम में, एक इस तरह से यहाँ पे समझ लो, ये वैसे डंठल है ना, एक एक इस तरह से डंठल बनी हुई है, इनका कुछ प्रोसेसिंग करके ऐसे पैलेट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये पैलेट्स क्या हो सकते हैं, इनको आप जला सकते हो, बर्न कर सकते हो, इसमें 50% पार्टिकुलेट मैटर कम एमिट होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा हीट मिलेगी रैदर देन कोल, और यहाँ पे उतना ही कोल अगर आप जलाओगे तो उसमें कम एनर्जी मिलेगी और ज्यादा कार्बन एमिशन होगा। ये सब चीजें नहीं होंगी इस पैडी पैलेट में, और इसके लिए जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है कि अगर आप इस पैडी सबल से पैलेट्स बनाते हो तो आपको हम यहाँ पे इंसेंटिव देंगे। लेकिन यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है उनका कहना है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आप नहीं दे रहे हो हमको, इसके कारण एक घाटे का सौदा हो सकता है। यहाँ पे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वाली जो मिनिस्ट्री है, उनका कहना ये है कि 270 मिलियन टन हमारे देश में हर साल एग्रीकल्चर वेस्ट आता है। इस 270 मिलियन टन वाले एग्रीकल्चर वेस्ट से हम लगभग 28,000 मेगावाट ऑफ पावर बना सकते हैं, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पे 800 से ज्यादा केजी पैलेट्स हम बना सकते हैं, पैडी पैलेट्स, जो कि 1,000 केजी कोल को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब सोच रहे हो, ये वेस्ट जिसको अभी हम ऐसे ही जला रहे हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसको हम कितनी बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं एनर्जी नीड्स को केटर करने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली ये पूरी पैडी पैलेट स्कीम है। इसके बारे में और भी कुछ चीजें दिखा देती हूँ। फंडिंग कैसे होगी इसकी, तो फंडिंग के लिए नई यूनिट जो सेटअप की जाएंगी उनको गवर्नमेंट फंडिंग मिलेगी, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिविजुअल्स को मिलेगा, कंपनीज को मिलेगा, और जो भी नए प्लांट्स उगा रहे हैं, नए प्लांट्स लेकर आ रहे हैं बेसिकली इस पैडी पैलेट को लेकर, उनको मिलेगा, मेनली दिल्ली पंजाब हरियाणा और एनसीआर रीजन के लोगों को, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को। कॉस्टिंग कितनी होगी, तो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग जो है रेगुलर पेलेटाइजेशन प्लांट की, यहाँ पे होगी 35 लाख, यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर जो है इसके लिए मैक्सिमम 70 लाख रुपए आपको दे सकता है। टोरेफेक्शन प्लांट यानी कि टोरेफेक्शन, जिसमें मेन काम होगा थर्मल प्रोसेसिंग होगी, जिससे कि आपका वेस्टेज जो है, जो सबल है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, बायोकोल में, ओके, बायोकोल में, जो कि ज्यादा इफिशियंट है देन द नॉर्मल कोल, ओके। तो यहाँ पे टोरेफेक्शन प्लांट के लिए भी कुछ आपको 70 लाख से 1.4 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है, और ये वन टाइम ओनली स्कीम है, यानी कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा ये पैसा, इंसेंटिव उसके बाद नहीं मिलेगा, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तेजस टू बी इंटीग्रेटेड विद ब्रह्मोस एनजी मिसाइल इन अ फ्यू ईयर्स। तो देखो बेसिकली बात हो रही है कि तेजस आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमने अभी अभी बनाया है, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को कैरी कर पाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये जो तेजस है ये लाइटर हमारा वर्जन है, ठीक है, लाइटेस्ट वर्जन है ये यहाँ पे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। और जो ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस का जो ब्रह्मोस एनजी है ना, ब्रह्मोस एनजी,
यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये लाइटर वर्जन होगा नॉर्मल ब्रह्मोस का, ठीक है, लाइटर वर्जन होगा नॉर्मल ब्रह्मोस का। ये ब्रह्मोस क्या है पहले ये बता देती हूँ, फिर आते हैं आगे वापस से इस आर्टिकल के ऊपर। ब्रह्मोस देखो ये मिसाइल है, मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे ये मिसाइल जो है इसको आप सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। इसके साथ ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है पूरे वर्ल्ड की, याद रखना फास्टेस्ट सुपरसोनिक, सुपरसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से चलती है, और क्रूज मिसाइल है यानी कि सरफेस से ऐसे पैरेलली चलती है, सतह से ऐसे चिपक के चलती है, ग्रेविटी के उसमें डिराइव्ड नहीं होती है ये, इसको गाइडेड मिसाइल होती है, ठीक है। इसमें आपको गाइड देनी पड़ेगी, गाइडेशन देना पड़ेगा। बाकी जो एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल में आप कुछ गाइड नहीं करते, जैसे बॉल होती है ना आपने यहाँ से फेंकी ऐसे पैराबोलिक जो मोशन है वो कवर करके यहाँ गिरती है, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल चलती है, इसमें कोई गाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है गाइडेड मिसाइल होती है। तो फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड की, ठीक है, और साथ में वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है ये, ओके। ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, ठीक है, और इसको दो मेजर रिवर्स के नाम पे रखा गया है, ब्रह्मपुत्र इंडिया की, मोस्कोवा रशिया की, इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस बनाया है। टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है इसमें रशिया की 800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल वाली यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हुई है। लैंड लॉन्च और शिप लॉन्च वर्जन इसके तैयार हो चुके हैं, अभी नया वर्जन आया जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन, जिसको कि हम तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे भी भेज सकते हैं, ओके। इसका ब्रह्मोस 2 भी आने वाला है जो कि हाइपरसोनिक होगा, ठीक है। एक होता है सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक होता है जिसकी जो स्पीड है साउंड की स्पीड से कम है, एक होता है सुपरसोनिक, ठीक है, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, और एक होता है हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड सुपरसोनिक से भी ज्यादा है, साउंड से भी लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है, ब्रह्मोस 2 की। और ये 2024 तक हो जाएगा तैयार। तो ये पूरी बात है कि ब्रह्मोस NG जो है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे भी अब इंस्टॉल हो पाएगा, और ये जो होगा इसका वेट भी कम होगा और इसकी सारी ताकत वैसी है जैसी ब्रह्मोस की होगी, ठीक है। दूसरी एक और न्यूज है, इंडिया टेस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम जो है ये अभी इंडिया ने टेस्ट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अग्नि प्राइम क्या है इसकी बात कर लेते हैं, और ये याद रखना ये GS-3 से कनेक्टेड है, ठीक है, डिफेंस वाली टेक्नोलॉजी जो है ना, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनसे कनेक्टेड है ये टॉपिक, ओके। तो देखो दूसरा जो टॉपिक है अग्नि प्राइम वाला, अग्नि प्राइम जिसको है इसको अग्नि-P भी बोलते हैं, ये 2-स्टेज कैनिस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये चलती है, पैराबोलिक मोशन ये कवर करती है, इट इज नॉट गाइडेड, नॉट गाइडेड, ओके। और यहाँ पे इसके पास डुअल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोल रही हूँ नॉट गाइडेड, यहाँ लिखा है गाइडेंस सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम है लेकिन ऐसा नहीं जो इसको कंटिन्यूसली गाइड करे कि सरफेस से इतनी ही दूरी बना के चलना है, ऐसा कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है, ओके। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 1000 से 2000 किलोमीटर का इसकी रेंज है, ओके। और ये जो है ये नई जनरेशन आई है अग्नि क्लास की। अग्नि बेसिकली हमारी, बेसिकली आपको पता होगा हमारे अब्दुल कलाम जो जी थे, ठीक है, अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इन्होंने 5 मिसाइल सिस्टम तैयार किए थे जिसको हम पटना से याद रख सकते हैं, ठीक है। पटना का मतलब क्या है, P स्टैंड फॉर पृथ्वी, ओके, A स्टैंड फॉर अग्नि, T स्टैंड फॉर त्रिशूल, ओके, N स्टैंड फॉर नाग, एंड A स्टैंड फॉर आकाश। ये 5 हमारे बेसिकली मिसाइल सिस्टम तैयार हुए थे इसके अंदर, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये अब्दुल कलाम जी ने करे थे। इसी में अग्नि मिसाइल थी, और अग्नि मिसाइल का ही आगे के वर्जन को अग्नि प्राइम कह रहे हैं। मीडियम रेंज मिसाइल है, DRDO ने बनाई है, और अग्नि 1 और अग्नि 2 का सक्सेसर है अग्नि प्राइम, ओके। इसको 6th मिसाइल आप बोल सकते हो, अग्नि मिसाइल रेंज में ही 6th मिसाइल है, ओके। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सबके अलग अलग यहाँ पे रोल हैं, देख सकते हो। अग्नि 1 जो है ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर रेंज है। अग्नि 2 भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 तक की रेंज है। अग्नि 3 इज इंटर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि 2500 किलोमीटर तक की रेंज है। अग्नि 4 इंटर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। इसके बाद लॉन्गेस्ट जो है अग्नि सीरीज का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 5000 से ऊपर की रेंज है। अग्नि 6 भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसकी 11000 से 12000 की अभी रेंज होने वाली है। अभी ये डेवलपमेंट में अभी हुआ नहीं है, अग्नि 5 तक डेवलप हो चुका है। अग्नि 5 के बाद अब आया है अग्नि प्राइम, ओके, अग्नि P।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमी का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ असेट्स ऑफ अ बैंक, रिजर्व, लोन्स, डिपॉजिट, क्या सही आंसर है इसका ये देना कॉमेंट सेक्शन में। और रुको रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ नई चीजें आप लोगों के लिए आज एक मैपिंग एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, क्योंकि देखो अभी एक छुट्टी आने वाली है संडे की, मंडे की दिवाली है, तो इसीलिए कुछ तो करो, ठीक है। तो कुछ ये करना है कि मैपिंग एक्सरसाइज ये है कि सी ऑफ अजोव, देख रहे हो ये सी ऑफ अजोव है, ठीक है, इस सी ऑफ अजोव के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, बाउंड्री कर रही हैं, ये आपको बताना है। और दूसरा बताना है इसके आसपास कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो एक स्टेट आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, एक स्टेट यहाँ मिलेगी। तो ये सब आपको बताना है कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो सी ऑफ अजोव को घेरे हुए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सी ऑफ अजोव को घेरे हुए हैं। ये आज का आपका सेकेंड क्वेश्चन है। और रुको रुको रुको, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है सी सैट से संबंधित। सी सैट का क्वेश्चन इसीलिए दिया क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है और आई वॉन्ट कि सी सैट में किसी का कुछ अटके ना, इसीलिए सी सैट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टू पाइप्स कैन फिल इन अ टैंक इन 8 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड इफ द पाइप ए गेट्स ओपन फर्स्ट, देन इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फुल। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो 1, 2, 3 इस तरह से ये तीनों के आंसर आपको लिखने हैं कॉमेंट सेक्शन में। जो लिखेगा इस तीनों के आंसर उसके लिए मेरे पास है एक सरप्राइज। सरप्राइज क्या है वो बताऊंगी दिवाली वाले दिन पे। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। अपनी परफॉर्मेंस चेक करना हो तो कॉमेंट जरूर करना अपने आंसर्स। ओके, कॉमेंट किए बिना जाना मत। सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक करना मत भूलना चैनल को और वीडियो को भी, और अपने आंसर्स कॉमेंट करना भी मत भूलना। तो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।